हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम ने भारी मात्रा में नकली करेंसी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला के पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम ने लाखों में नकली करेंसी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि 28 सितंबर को पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम आनंद विहार ISBT के पास गश्त कर रही थी, तभी एक संदिग्ध नजर आया और उसे रोकने का इशारा किया, मगर वह रुक नहीं रहा था, घबरा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास एक थैला था, थैले की जांच की तो उसमें नोट थे, नोटों की जांच की तो पता चला कि वह नकली करेंसी है, जिसके बाद 25 वर्षीय छविराम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ करने पर वो ठीक से नहीं बता रहा था, मगर सबसे पहले आरोपी को कोर्ट में पेश किया और उसके बाद पुलिस रिमांड ली, जहां उसके बाद आरोपी छविराम से लगातार पूछताछ की तो आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा था, कहा कि गुड़गांव से आगे एक छोटा गांव है, वहां से ये नकली नोट लेके आया था, मगर पुलिस ने लगातार सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने खुलासा किया। वही इसमें 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किए हैं, जिनकी पहचान आसिफ उर्फ उस्मान और दूसरा इमरान, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में इंडियन नकली करेंसी बरामद की। वहीं इसका मुख्य मास्टरमाइंड जिसका नाम सामने आया है वह दिनेश था। दिनेश का नंबर बन जा रहा था, मगर ये पता चला कि दिनेश बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने लोकल खुफिया से मदद ली और उसके बाद आरोपी दिनेश की पत्नी का नंबर ट्रेक किया तो उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर को DCP ने बताया कि 28 सितंबर को पहला आरोपी छविराम और उसके बाद बदायूं से 2 आरोपी 30 सितंबर को और मुख्य मास्टरमाइंड दिनेश इसको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टोटल 46.5 लाख नेपाल के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं 85 लाख के करीब नकली इंडियन नोट बरामद किए हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन व अन्य सामान भी बरामद किया है, जहां 4 आरोपियों से पूछताछ जारी है। इन 4 आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और 4 आरोपी एक दूसरे को जेल से ही जानते हैं। इसमें छवि राम का एक जो परिवार का सदस्य है जो दिनेश है। बहरहाल इन सभी से पूछताछ जारी है। सुने DCP की बाइट। जी, इसमें ISBT के पास से हमने पहले एक आदमी को पकड़ाया जहाँ पे हमने फेक इंडियन करेंसी नोट मिले थे। वहाँ से हमने फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। फर्दर इंक्वायरी में हमें पता चला है कि बदायूं से भी इनके लिंक हैं और उनके एसोसिएट्स को 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और वहाँ से हमें कुछ फेक इंडियन करेंसी मिले थे अपने घरों से। फर्दर हमने इंक्वायरी करने पर एक और आदमी का नाम आया था, वो रहता है मुजफ्फरपुर बिहार में, दिनेश नाम का आदमी था। वहाँ भी हमने रेड मार के उनको भी पकड़ने में कामयाब हुए थे। वहाँ से हमें भारी मात्रा में हमें फेक इंडियन करेंसी और फेक नेपाल करेंसी मिले थे। करीब 18.54 लाख इंडियन फेक करेंसी मिले थे और 46.6 लाख रुपीज़ जो है नेपाली के फेक करेंसी मिले थे। वहाँ से हमें एक ऑटोमेटिक अच्छी क्वालिटी की प्रिंटर भी मिला था और फेक नोट बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो स्ट्रिप बनाते हैं फ्लोर वो शाइनिंग वाला स्ट्रिप, वो भी मिले थे। मैम, इनका जो 4 आरोपी हैं क्या आपस में पहले मिल चुके हैं? 2 तो रिश्तेदार हैं और 2 बाकी 3 तो एक दूसरे को जानते हैं। अभी मैम रिसेंटली में पूर्वी दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है अक्षरधाम से उन्होंने नकली करेंसी के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार किया, क्या इनका उनके साथ भी लिंक हो सकता है? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जैसे ही कुछ पता चलेगा तो इन्फॉर्म कर देंगे।